पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर की, जिन्हें हम राहुल रवेल के नाम से जानते हैं। जन्म हुआ 7 अप्रैल सन 1951 मुंबई में ही। इनके पिता हरनाम सिंह रवेल एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। राजेंद्र कुमार के लिए मेरे महबूब, दिलीप साहब के लिए संघर्ष, राज खन्ना साहब के लिए महबूब की मेहंदी, और ये फहरिस्त वाकई लंबी है। पर कोई ये नहीं जानता था कि एच एस रवेल साहब के सुपुत्र राहुल रवेल भी आगे जाकर फिल्मों में बड़ी मकबूलियत हासिल करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ भी। लड़का बहुत होशियार है। राहुल रवेल को इनके माता पिता प्यार से बब्बू बुलाया करते थे। इन्हें फिल्मों में कतई दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि अपने वालिद को फिल्मों में काम करते देख रहे थे। इनका मन था कि जब स्कूलिंग खत्म हो जाएगी तो ये कनाडा चले जाएंगे और वहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट बनने का इरादा था, लेकिन इनके बचपन के दोस्त चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर साहब ने इनके इस ख्वाब पे पानी फेर दिया। इसी गली का तो इंतजार था मुझे। हुआ दरअसल यूं, एक दिन ऋषि कपूर साहब ने फोन किया और कहा कि राहुल, राज कपूर साहब जो हैं फिल्म बना रहे हैं मेरा नाम जोकर, रशियन सर्कस यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों नहीं तुम आ जाओ और देखो शूटिंग कैसे होती है। सर्कस और शूटिंग देखने के बहाने राहुल रवेल पहुंच गए मेरा नाम जोकर के सेट्स पर। इन्होंने देखा कि राज कपूर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्राउड को भी संभाल रहे हैं, कास्ट को भी संभाल रहे हैं और फिल्म का डायरेक्शन भी दे रहे हैं। ये राज कपूर साहब के काम से बड़े मुतासर हुए। पहले दिन तो ऋषि कपूर इन्हें अपने साथ ले गए थे, लेकिन ये दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी, और ये सिलसिला बन गया। उसके बाद ये राज कपूर साहब के असिस्टेंट बन गए और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनने का इरादा पूरी तरह से छोड़ दिया। इन्होंने परवीन बाबी, ऋषि कपूर, राजेंद्र कुमार और आशा पारेख के साथ फिल्म बनाई गुनहगार। इस फिल्म से इन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए, वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। इनकी शुरुआती दो फिल्में तो नहीं चली, लेकिन उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब ने इन्हें फिल्म लव स्टोरी ऑफर की, वो फिल्म जिससे कुमार गौरव शुरुआत करने वाले थे। इस फिल्म का संगीत बड़ा कमाल का बना, फिल्म में एक्टिंग भी बड़ी जोरदार रही और सभी ने कुमार गौरव और विजेता पंडित की जोड़ी को हाथों हाथ लिया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले राजेंद्र कुमार साहब और राहुल रवेल का एक बात को लेकर जरा झगड़ा हो गया। तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा नाम बतौर डायरेक्टर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद राहुल रवेल को लगा कि यदि मेरा नाम नहीं दिया जाएगा तो कहीं राजेंद्र कुमार अपना नाम ना दे दें बतौर डायरेक्टर। इसके लिए इन्हें कोर्ट केस करना पड़ा और फिल्म लव स्टोरी में डायरेक्टर का नाम ही नहीं आया। हालांकि फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, पर उसके बावजूद राहुल रवेल के पास काम ना था। धर्मेंद्र साहब ने एक दिन इन्हें बुलाया और कहा कि मेरा बेटा सनी देओल फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाला है, मैं चाहता हूं कि तुम इस फिल्म को डायरेक्ट करो। थैंक यू। वाह। कुमार गौरव की सफलता देखने के बाद और फिल्म बेताब से सनी देओल और अमृता सिंह की सफलता देखने के बाद राहुल रवेल ने मन बना लिया कि वो न्यू कमर्स के साथ ही काम करेंगे। भाई साहब जी, आपने क्या कहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन इतना समझ गया कि जो कुछ भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा, क्योंकि लोग खुशियों से तालियां मारने लगे और आज मैं भी बहुत खुश हूँ। इसलिए काजोल के साथ फिल्म बनाई थी बेखुदी और ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी फिल्म और प्यार हो गया। थैंक यू सो मच सर। यस, इट्स बीन क्वाइट अ रफ लिटिल जर्नी फॉर अस, बट इट्स बीन ग्रेट फन एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। राहुल रवेल साहब ने लव स्टोरी, बेताब, अर्जुन, डकैत और अंजाम जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक एक्टिंग स्कूल भी शुरू किया, जिसमें आगे जाकर सनी देओल के बेटे करण देओल ने एडमिशन लिया था। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ रीटा रवेल से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा भरत रवेल। अभिनेत्री अनीता राज भी इनकी भतीजी लगती हैं। राहुल रवेल साहब यकीनन उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से रहे जिन्होंने नए हुनर को बहुत मौके दिए। कुमार गौरव और विजेता पंडित रहे या फिर सनी देओल और अमृता सिंह, और तो और परेश रावल का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होता है। अब ऐसा कुछ कीजिए ना कि ऐसा कोई रास्ता निकाले ना कि मैं भी मगनमारी से बच जाऊं और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में राहुल रवेल साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।